क्या हाल चाल सभी के? और हम हैं दुर्गेश जी और हम साथ में जा रहे हैं खेत पे। देखिए ये रास्ता चल रहा है और हम यहाँ पे तो हम पहुँच चुके हैं अभी खेत पे, दुर्गालाल और हम मैं, और सनराइज होने वाला है, सनसेट होने वाला है, बहुत ही गजब पॉइंट है ये। और हम दोनों यहाँ पे खेत पे आ चुके हैं। आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? मेरे को यहाँ पर आके मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है, वाइब्स जिसे बोलते हैं, नॉट वाइब, वाइब। अच्छा तो बीच बीच में ऐसी हरकतें होती रहती है, इसको आप बुरा ना माने। क्यों? हाँ, बुरा मानने की जरूरत नहीं, अगर बुरा मानोगे तो हमें कुछ का फर्क पड़ता है। फर्क हमें पड़ता नहीं है, फर्क पड़ाना पड़ता है। क्यों फर्क? तो यहाँ पे ये दो गन चक्कर कर क्या रहे हैं? हम तो लेके आएंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? हम क्या बना रहे हैं? आप देख रहे हो, ऐसा क्यों देख रहे हो इनको? फिर आपकी हंसी इतनी प्यारी है ना, लपड़ सपड़ करने का मन करता है। प्लैंक स्टार्ट, प्लैंक एक्सरसाइज। अभी तक मैंने बीट नहीं किया है, ये एक मल्लारी की आठ रुक। तो गाइस ये थी हमारी प्लैंक एक्सरसाइज, और आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। क्यों? बिल्कुल लाइक तो करना ही बनता है भाइयों। बात तो सही है, क्योंकि मेहनत जारी है। मेहनत बहुत खतरनाक हो रही है, देख लो टप टपा टप टप पानी पड़ रहा है शरीर से, हमारे शरीर से। लाइक कर दो, ठीक है। तो गाइस अभी शाम सुंदर हो चुका है, तो हम घर पे जाएंगे अभी। क्यों? यस, अभी तो बाकी है भाई, अभी तो बहुत एक्सरसाइज करनी है हमें, रात के 12 बजानी है भाईयो। बाकी तो कौन है, लेकिन घर तो कह रहे नहीं, घर वो बाकी की गई शायद। आप थोड़ा डब जाओ। और बोलो। अब बहुत पसीना आ गया भाई, पसीना रुकने का नाम नहीं, रखना जाने शरीर से कहाँ से बनता है ये, खत्म नहीं होता है भाइयों। बॉडी बिल्डरों की यही नहीं पता कि पसीना कहाँ से बनता है। अरे हमें क्या मतलब पसीने से, हमें तो निकालना है भाई। क्या निकालना? पसीना है भाई। तो भाई अभी जा रहे घर पे, आज आपने कमेंट देखी, ये शूट हो रहा है ब्लॉग आईफोन से, इनका आईफोन है दुर्गालाल जी का। बहुत अच्छा लगा मुझे ये ब्लॉग शूट करना, और लाइक कर देना। तो गाइस घर पे आ चुके हैं और वापस सुबह हो चुकी है, प्रैक्टिस करके, बहुत प्रैक्टिस खेल ली कल, तो हाथ पैर भी बंद हो जा बंके। हमारी सेठ जी, ये हमारे सेठ जी हैं, तो हमारी भैंसों को बेच रहे हैं, तो दो दिन लेने वाले आए हैं, ये भाई साहब ये और ये। तो हमारे दुर्गेश जी भी आ चुके हैं, कल की प्रैक्टिस कैसी रही? बहुत मजाक हो गया, लेकिन अब आपको बताता हूँ कि हमारी कौन कौन सी भैंसें हैं जो मतलब बिकने वाली हैं। एक तो ये रही, एक तो ये जाएगी बेचारी, बहुत बढ़िया है अभी, तो ये बेच देंगे हम। और एक ये और ये दोनों जाएंगी, ये सेल के लिए हैं। यस, तुम बकोगे, बक जाओगी, मतलब तुम्हें बेच देंगे हम, इनको कितना बुरा लगता होगा बेचारी को, तेरे को ये देखो कितनी मायूस हो गई, ये दोनों, इन दोनों को हम बेचेंगे तो कितनी मायूस हो गई थी बेचारी।
अरे यार क्या करें यार, तुम बराबर जाओ रहो और मस्त रहो, क्योंकि हम इधर रहेंगे नहीं ना, इसलिए तुम्हारी ये पालना कौन करेगा, तो तुमको हम बेचेंगे। ठीक है, वो ये है कि मतलब मैं इधर रहने वाला नहीं हूँ, मैं मतलब टूर में जाता हूँ, कहीं बाहर घूमने के जाता हूँ, तो फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए दिक्कत आती है, इसलिए हम इनको सेल कर रहे हैं। सो गाइस, अभी का प्लान ये है कि हमारी भैंस को हमने बेच दिया है, मोल तोल कर लिया है, भाव कर लिया है, तो उसको भी लेने आएंगे, तो मैं उसको टेम्पू में भरवाने जा रहा हूँ खेत पे। गाइस, भैंस को भरवा के घर पे आ चुके हैं वापस, भैंस को हमने बेच दिया, टेम्पू में भरवा के निकाला दिया उसको, और दर्द सी फीलिंग आ रही है, कोई अपना जाता है ना, क्या करें फिर, ये धंधा है यार, बिजनेस है, बिजनेस तो करना पड़ता है। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरी कटिंग करवाने, हम निकल चुके हैं, मतलब कटिंग करवाने जा रहे हैं ना, उसके लिए निकल चुके हैं। मेरा हमारा रास्ता स्ट्रेट हाईवे है, अरे अरे आप यहाँ यहाँ गुजर गया, ये खाई बहुत खजब खाई है भाई, आराम से आराम से, मैं आपको उतरना पड़ेगा, मेरे को उतरना पड़ेगा, मैं उतर जाता हूँ भाई, आराम से ना, चलो गाड़ी पंचर है क्या आपकी? नहीं है गाड़ी पंचर, नहीं है भैया तो ओ गाड़ी बहुत गजब भाई, इतनी गजब खाई है, लेकिन मेरे को उतरना पड़ेगा। अभी मैं उतर गए पार की है ना, अब बोलिए आप, अपलोड आ गया, बस बैठिए आप, चलो बैठ जाते, चलो आज हम यहाँ स्कूल में आए हैं अभी टेस्टिंग करने के लिए खाने की, दुर्गेश की गुड़िया यहाँ पढ़ती है, तो उसके लिए हम टेस्टिंग करने आए हैं, यहाँ पे मतलब भैंसे बंदी रहती है शायद दूध के लिए ना। ठीक है, यहाँ कारोबार, खाना हमने टेस्ट कर लिया, खाना ठीक है यहाँ का, स्कूल का, स्कूल कौन सी है भैया? ऋषभ इंटरनेशनल स्कूल, ऋषभ इंटरनेशनल स्कूल है, और ये खेल मैदान है शायद, मतलब वॉलीबॉल, स्कूल काफ़ी बड़ी है, बहुत ही लंबी स्कूल है, और इसका खाना हमने टेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे बनता है खाना, कैसी कैसी लगी आपको यहाँ की? खाना ठीक था, अपने घर जैसा ही है, खा सकते हैं। तो आज हमारी कटिंग चालू हो गई है, ये किशन सेन है, मुंडे जी का दर्द टू साइड कटिंग करा रहा हूँ मैं, टू साइड, गाइस आपके भाई ने कटिंग करा ली है, कैसी लग रही है? ठीक है, जब हम नाई की दुकान में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो कटिंग देखते हैं अपने, मतलब देखते हैं तो बहुत बढ़िया लगती है, खतरनाक, और जैसे घर पे आते हैं तो कटिंग बिल्कुल बेकार लगने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होते हैं कातरिए, और कातरिए कराने पर हमें जो फीलिंग आती है वो उनका जो कांच रहता है ना मिरर, उनका जादू रहता है, अपने घर पे जो गाछ लगे रहते हैं वो अलग होते हैं भाई। सही है भाई, वो गाछ होते हैं ना वो बिल्कुल जो मतलब सही फैकल्टी को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और हमारे घर के गाछ नॉर्मल होते हैं, इसलिए। फाइनली गाइस घर पे आ चुके हैं, अब नहाएंगे धोएंगे बड़े से, बाल वाल को धो के चकाचक हो जाते हैं। तो गाइस बहुत खतरनाक बारिश आ चुकी है हमारे गाँव में, ये देख लो सीन तगड़ा वाला, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, डंबल बनाने गया था मैं, डम्बल तो बना नहीं पाया, वापस घर पे जा रहा हूँ। ये है हमारे गांव का फ्रंट रोड, जो कि बहुत खतरनाक पानी से भर चुका है, देख लो तगड़ा वाली बारिश आ रही है भाई साहब, देख कुछ अदरों से, ओ बाप रे, सामने मौसम कितना खतरनाक बिगड़ चुका है, देखो और खतरनाक वाली बारिश आने लग गई है, और ये देखो हमारे गाँव घर के बाहर देखो कितना बड़ा पानी जा रहा है। तो सीन यही है कि बारिश तो आ गई, एकदम से बारिश आ गई, और हमारा काम सब फेल हो गया, तो अब जाके मैं घर पे पहुंचा हूँ, घर पे आते ही भाई सुकून सा मिलता है, इतनी तगड़ी बारिश थी ना रास्ते में, अरे वाह वाह। आप लोग क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो क्या? चाय चाय चाय। चलो माधाराम, आप गिले तो नहीं हुए? वाह बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, आप मतलब सर्दी में आप बीमार हो जाओगे, और तो कुछ नहीं है, बीमार हो जाओगे। कबड्डी 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 कबड्डी। गाइस बारिश कितनी खतरनाक चालू हो गई है हमारे घर पे, देखो इतनी तगड़ी बारिश आ गई है,
ओ भाई साहब गाज भी रहा है, बादल गरज रहे हैं। तो गाइज आप लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं रहा था, इसलिए वो ब्लॉग में डालूंगा नहीं। वो बेड फेस वाला, बेड फेस चैलेंज वाला हमने वीडियो बना लिया है, लेकिन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया हमारे वीडियो पे। ठीक है, तो इस वीडियो पे कुछ रिस्पॉन्स आता है तो मैं वो इस ब्लॉग के नेक्स्ट ब्लॉग में वो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।